अरे जी मजा आ गया भैया आज तो। ओ अरे अरे ऐसे ऐसे क्या देख रहे हो भाई, हगे नहीं है, नया एनिमे बनाए हैं बे। हाँ देखो तुम भी एनिमे, बस एनिमे हो आगे हगे। ये लोटा लोटे में तुम पानी हम ऐसे पीने के लिए ऐसे एनिमे निकाले हैं, बस आगे नहीं है। नहीं नहीं खुले में ना हगो भाई, सोच में हगो। हाँ ये तो टट्टी है। हेलो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रियानवी ओताकू। और आज हम बात करने वाले हैं अनदर शिटी इसकाई एनिमे। तो अभी एकदम नया ताजा एकदम फ्रेश माल आया है भाई मार्केट में। अब फ्रेश माल आया है तो सुन के तो बताना पड़ेगा ना कैसे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना किस देर के, लेट्स गो। So the name of this all new anime is the World of Otomo game is hard for the mob player, कुछ ऐसा ही था, is tough for mobs। हाँ तो भाई it's another one of those isekai anime जहाँ पे बंदा reincarnate हो जाता है, and obviously वो एक लो उस पे reincarnate होता है, but उसको story पता होती है तो वैसे story बढ़ती है। but पता है क्या यार, ये मतलब इतना मेरे को trashy anime लगा literally। आप इसकी starting देखोगे ना, जो इस anime के अंदर का character उस game के लिए कह रहा था ना, same feeling मेरे लिए थी इस anime के लिए। लेकिन जैसे ही दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है, जब ये कैरेक्टर उस गेम के अंदर रीइनकार्नेट हो जाता है और जो बात वो इस एनिमे के लिए बोलता है, वैसा ही मुझे लगा जब मुझे पता चला कि कैसा बेकू बंदा यार जाके प्रपोज करता है। खत्म, अगला एपिसोड क्या 8 9 9 9। अबे यार अब एक हफ्ता वेट करूँ यार इसके बाबा। हाँ इन ट्रैशी से कहे एनिमे की यार पता नहीं क्या खास बात है। आपको पता है ये ट्रैश है, आपको पता है स्टोरी में क्या होने वाला है, आपको सब पता होता है, लेकिन फिर भी आप इसे पूरा देखते हो। एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा यार, ये थोड़ा सा अलग है, मतलब बहुत ट्रैश है, बहुत बेकार है, बहुत बहुत नल्ला एनिमे है, मतलब एकदम ट्रैशी सी एनिमे है। मतलब पता है ये उस टाइप की कहानी है जो एक मतलब चश्मे वाले डॉर्क से बंदे को पसंद होगी, बट एक इसमें हुक सा है, वो स्टोरी में हुक है कि क्या हमारे प्रोटैगनिस्ट को वो बंदी मिलेगी, क्या वो बंदी मिलेगी या क्या होने वाला है। एंड मतलब आप ना एक गुस्से में देखते हो कि भाई कैसा बेकू प्रोटैगनिस्ट है भाई, जाके बात कर ले भाई। मतलब आप ना उस गुस्से में देखते हो कि फाइनली क्या इस बंदे में बुद्धि आएगी और वो अगले एपिसोड में वो चीज़ करेगा क्या फाइनली। मतलब आप एक फ्रस्ट्रेशन में एंड पता नहीं क्यों आप इस पूरे एनिमे को देखोगे। तो हाँ अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो। अब टोटली एक दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज एनिमे जहाँ पे MCOP होता है एंड जहाँ पे फाइट सीन होने वाले हैं क्रेजी से। नहीं, एनिमेशन अच्छी है बहुत ज़्यादा, इट्स फन टू वॉच 1080p पे अगर आप अच्छे से देखते हो ना तो मज़ा आता है देखने में एनिमेशन को। एंड It's another of those anime, ठीक है, I'm just gonna say this thing। तो do let me in the comment section अगर आपने दे रखा है या फिर कोई नया anime आया जो मैंने नहीं देखा होगा। मतलब काफ़ी सारे एक दो नए और anime हैं like demon वगैरह के भी, उनकी बातें कभी और वीडियो में करेंगे। तो बस आज कल इतना, यहाँ तक वीडियो को देख लो तो लाइक कर देना। उसके अलावा अगर आप इसमें जैसे ये anime के अंदर तो रोमांस नहीं मिला अच्छे से, लाइक वो बेकूफ था प्रोटैगनिस्ट, पर मैंने वीडियो बना रखी जिसके अंदर मैंने टॉप मस्ट वॉच रोमांस एनिमे बताया, तो उसका लिंक यहाँ पे है, जाके वीडियो को देखो और इंजॉय करो। डू इट सब्सक्राइब बटन इफ यू गाइस हैवंट। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन, गुड बाय।